अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आया हलार यासिन नारायण शबाना नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तरफ से अवां सा मुखातिब आया। सजे अठे क्लास की साइंस अवां सा डिस्कस कंदासीं। सो बिना कें देर जे शुरू कयूं था। अठे क्लास के पंजे चैप्टर का शुरुआत कयूं था। पंजे चैप्टर जो उनवान है केमिकल रिएक्शंस यानी कीमियाई अमल। सुवाल नंबर 100 है, कोल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट केमिकली टू प्रोड्यूस, मतलब कोयले ऑक्सीजन के कीमियाई अमल उनको कीमियाई अमल कराने से असके हासिल असके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। सवाल नंबर 101 है, विनीजर एंड सोडा रिएक्ट केमिकल टू प्रोड्यूस, मतलब विनीजर के असा सिंधी में चवंदी सुरको सुरके सोडा जैके खार कपड़न धोने वाली खार उन पा में अमल कराइंदी तो असके हासिल बाइकार्बोनेट मतलब मिठी सोडा। क्वेश्चन नंबर 102 है, अ केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कीमियाई तब्दीली के कीमियाई अमल चाहबो है। क्वेश्चन नंबर 103 है, केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, मीथेन जो केमिकल फार्मूला CH4 है। जी हाँ, मीथेन में एटम जा हाइड्रोजन जा चार एटम होंगे, कार्बन जो एक एटम होंगे, ये मिली कंबाइन थी करे मीथेन ठाईंदा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जवाब है एंटोनी लेवाइजर, मतलब एक फ्रांसिस कीमियादान हुयो एंटोनी लेवाइजर जैके जदीद इलम कीमिया जो अब चयो वञे थो। क्वेश्चन नंबर 105 आए, हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1789, जवाब है एंटोनी लेवाइजर, कीमियादान एंटोनी लेवाइजर पेश कयो जैके माए जे बका वारो कायदो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चयो वञे थो। क्वेश्चन नंबर 106 आए, हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, मतलब कीमियाई अमल जा केतरा किस्म बयान किया वाया। जी हाँ, उहे किस्म आहिनि हिकिड़ो एडिशन रिएक्शन, बियो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 107 आए, वेन टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, मतलब उहे अमल जंहिंमें ब या ॿिनि खां वधीक अमल कंदड़ गॾिजी हिकु प्रोडक्ट ठाहिनि त उनखे असां एडिशन रिएक्शन यानि जोड़ वारो अमल चवंदासीं। क्वेश्चन नंबर 108 आहे, एडिशन रिएक्शन आर अल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन आर सिंथेसिस रिएक्शन, यानि एडिशन रिएक्शन खे असां मेलाप वारो अमल या तरक़ीबी अमल बि सॾींदा आहियूं। क्वेश्चन नंबर 109 आहे, वेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इंटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मतलब जो असो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंद एडिशन रिएक्शन जो उबतड़ होंद, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक अड़ो अमल है जैमें एकड़ो मुरकब ब या बिन का वधिक नंढन शयन में टुटी पवो है, उनके अस डिकम्पोजिशन रिएक्शन चवंदा आयो। क्वेश्चन नंबर 110 आहे, रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर एडेड आर कॉल्ड, आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक एक अड़ो अमल है जैमें गर्मी सिस्टम में जज़ब थी वेंदी आहे। एंडो एंडो मीन्स अंदर, थर्मिक मीन्स गर्मी। रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ऑफ आर कॉल्ड, आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब एक्सोथर्मल एक अड़ो अमल है जैमें गर्मी खारिज थी है। एक्सो एक्सो मीन्स बाहर, थर्मल मीन्स गर्मी, एक्सोथर्मल एक्सोथर्मिक जैसे अस चवंदा आयूं। क्वेश्चन नंबर 112 है, कंबशन न्यूट्रलाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सड़न वारो अमल, बेअसर वारो अमल न्यूट्रलाइजेशन मतलब बेअसर, और साह खण वारो अमल रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक जा मिसाल आहिन। इहो हुयूं चैप्टर नंबर 5 जो कुछ मेन पॉइंट्स। हाणे असां ईंदासीं चैप्टर नंबर 6 जे तरफ, जंहिंजो उनवान आहे एसिड्स अल्कलीज एंड साल्ट्स यानि तेज़ाब असास ऐं लूणियाठ। क्वेश्चन नंबर 113 आहे, द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एकियर मीन्स सोर, मतलब लफ्ज़ एसिड हकीकत में एक लातीनी लफ्ज़ एकियर मां वरतल है जो मतलब है खट्टो। क्वेश्चन नंबर 114 आए, हु डिफाइंड एसिड इन 1903, जवाब है स्वीडन जो कीमियादान हुयो ऑगस्ट आर हेंस, दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन,
H in the aqueous solution are called acids. मतलब तेज़ाब उहे शयूं आहिनि जेके आबी महलोल में aqueous solution मतलब आबी महलोल में हाइड्रोजन आयन मुहैया कंदियूं आहिनि मुहैया कनि था जेके असांजा आहिनि एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 116. दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन OH इन द aqueous solution आर कॉल्ड बेसिस. मतलब उहे शयूं जेके आबी महलोल में हाइड्रोक्साइल OH आयन मुहैया कनि उन्हनि खे असां असास चवंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 117 आए आल अल्कलीज़ आर बेसिस बट आल बेसिस आर नॉट अल्कलीज़. क्वेश्चन नंबर 118 आए प्रोसेस इन विच एसिड इज मिक्सड विथ बेस एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. मतलब जॾहिं तेज़ाब खे असास सां मिलायो वेंदो आहे त तेज़ाब जी तेज़ाबी नोयत ऐं असास जी असासी नोयत ख़तमु थी वेंदी आहे. नतीजे तौर ते उहा शइ न तेज़ाबी रहंदी आहे न असासी रहंदी आहे ऐं उन्हीअ खे असां बेअसर यानी न्यूट्रल चवंदा आहियूं ऐं इन अमल खे बेअसरी वारो अमल न्यूट्रलाइज़ेशन चइबो आहे. क्वेश्चन नंबर 119 आहे विच इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइज़ेशन. जवाबु आहे H2O यानी वाटर. पाणी बेअसरी वारे अमल यानी न्यूट्रलाइज़ेशन जी मुख्य पैदावार आहे. जीअं त ही तेज़ाब जेको आहे सो H+ जे ऐं असास जे OH- जे ज़रिए ठहे थो. उन करे इन्हनि जा तेज़ाब ऐं असास जी मिलावट जे करे असर ख़तमु थी था वञनि ऐं इहो बेअसर थी वञे थो. क्वेश्चन नंबर 120 विच आर सोर इन टेस्ट. तेज़ाब ज़ाइके में खटा हूंदा आहिनि. क्वेश्चन नंबर 121 विच आर बिटर इन टेस्ट. जवाबु आहे बेसिस यानी बेसिस ज़ाइके में कड़ा यानी कोड़ा हूंदा आहिनि. क्वेश्चन नंबर 122 आहे टार्टियरिक एसिड एसिड लैक्टिस एसिड एस्कॉर्बिक एसिड आर बेसिकली नेचुरल एसिड्स. इहे सभई एसिड्स जा क़िस्म आहिनि जेके कुदरती आहिनि. जेको टार्टियरिक एसिड हूंदो आहे उहो असांखे तक़रीबन गिदामड़ी या अंगूरनि मां मिलंदो आहे ऐं स्ट्रिक तेज़ाब जेको हूंदो आहे उहो बि असांखे लीमे ऐं नारंगी मां मिलंदो आहे. लैक्टिस एसिड जेको हूंदो आहे उहो असांखे ॾही मां मिलंदो आहे ऐं एस्कॉर्बिक तेज़ाब असांखे खटनि मेवनि मां मिलंदो आहे. जी बिल्कुलु तेज़ाब मतिलबु थींदा ई खटा आहिनि उहे खटियुनि शयुनि मां ई तक़रीबन मिलंदा आहिनि. क्वेश्चन नंबर 123 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड मैग्नेशियम आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी. जी बिल्कुलु इहे सभई लेबॉरेटरी में ई ठाहिया वेंदा आहिनि. क्वेश्चन नंबर 124 आहे विच एसिड इज़ यूज़ टू मेक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. आंसर आहे कार्बोनिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 125 आहे द स्केल टू मेयर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ pH. pH स्केल खे असां सिंधी में तेज़ाब पद पैमानो चवंदा आहियूं. इन स्केल सां असां ॻार जी तेज़ाबियत ऐं असास जी माप कंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 126 आहे pH स्केल रेंजिस बिटवीन 1 to 14. मतिलबु जेका pH स्केल जी रेंज हूंदी आहे उहा 1 खां वठी 14 ताईं हूंदी आहे. क्वेश्चन नंबर 127 आहे वाट इज़ pH स्केल ऑफ लीमन जूस. जवाबु आहे 2. मतिलबु लीमे जे रस जी pH स्केल केतिरी थींदी आहे उहा 2 हूंदी आहे. वाट इज़ pH स्केल ऑफ रेन वाटर. जवाबु आहे 5. मतिलबु बरसात जे पाणी जी pH स्केल 5 थींदी आहे. क्वेश्चन नंबर 129 वाट इज़ pH स्केल ऑफ मिल्क. जवाबु आहे 6. खीर जी pH स्केल 6 हूंदी आहे. क्वेश्चन नंबर 130 आहे वाट इज़ pH स्केल ऑफ प्योर वाटर. आंसर आहे 7 ऐं जेको न्यूट्रल हूंदो आहे वाटर. क्वेश्चन नंबर 131 आहे वाट इज़ pH स्केल ऑफ ब्लीच. ब्लीच जो pH स्केल केतिरो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे 13. क्वेश्चन नंबर 132 आहे वाट इज़ pH स्केल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. आंसर आहे 14. इहो हुयूं चैप्टर नंबर 6 जूं कुझु मेन पॉइंट्स. हाणे असां चैप्टर नंबर 7 जी तरफ़ ईंदासीं जंहिंजो उनवान आहे फोर्स एंड प्रेशर यानी ज़ोर ऐं दॿाउ. क्वेश्चन नंबर 133 आहे फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 134 आहे हाउ अ प्रेशर इज़ कैलकुलेटेड इन फार्मूला. प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपान एरिया. मतिलबु प्रेशर पी सॾ ॾिनऊं पी इज़ इक्वल टू एफ अपान ए.
जॾहिं असां कुवत खे एरिया सां डिवाइड कंदासीं त असांखे प्रेशर मिली वेंदो आहे. प्रेशर डिपेंड्स ऑन विच टू फैक्टर्स आंसर आहे फोर्सिस एक्टिंग एंड सरफेस ऑफ एरिया. क्वेश्चन नंबर 136 आहे द लार्जर द फोर्स द ग्रेटर विल बी इट्स प्रेशर. यानी जेतिरे ज़्यादा कुवत हूंदी जेतिरो ज़्यादा फोर्स हूंदो ओतिरी ज़्यादा उन ते दॿाउ हूंदो. क्वेश्चन नंबर 137 आहे द स्मॉलर द सरफेस एरिया द ग्रेटर विल बी प्रेशर. मतिलबु सतह जी एराज़ी जेतिरी घटि हूंदी त दॿाउ वरी ओतिरो वधीक ज़्यादा हासिलु थींदो. क्वेश्चन नंबर 138 आहे इन प्रेशर फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन. यानी प्रेशर में फोर्स खे असां न्यूटन सां ज़ाहिर कंदा आहियूं उनजो एको न्यूटन हूंदो आहे. क्वेश्चन नंबर 139 आहे इन प्रेशर एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर मीटर. माना एरिया खे असां स्क्वायर मीटर चौरस मीटर सां ज़ाहिर कंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 140 आहे प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थींदो. जवाबु आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 141 बि साॻियो ई आहे विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. उहो बि आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर जो एसआई यूनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 142 आहे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. क्वेश्चन नंबर 143 आहे ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विथ पार्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रॉलिक्स. यानी हाइड्रॉलिक्स साइंस जी उहा शाख आहे जंहिंमें पाणेठ जी हरकत वारनि अमली इस्तेमाल बाबति असां अभ्यास कंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 144 आहे एस्पेक्ट ऑफ साइंस डेट इज कनेक्टेड विथ यूज़िंग द एनर्जी इन कंप्रेस्ड गैस टू मेक समथिंग मूव इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स. मतिलबु न्यूमेटिक्स साइंस जी उहा शाख आहे जंहिंमें कंप्रेस्ड गैस वारी एनर्जी खे इस्तेमालु करे असां कंहिं शइ खे हरकत ॾेई कम में बदिलाए सघूं था. इहो आहे अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट थ्रू अ गैस इज़ कॉल्ड एरोसोल्स. एरोसोल्स नहरी ऐं पाणियार जे ज़रनि जो गैस हालति में तमामु नंढड़नि ज़रनि जे हिकु जेतिरे विर्छ जो हिकिड़ो सिस्टम यानी सिरिश्तो आहे. क्वेश्चन नंबर 146 आहे फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय द वेट ऑफ देयर ऑफ द एयर अबोव डेट सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 147 आहे बैरोमीटर इज यूज टू मेयर एयर प्रेशर. जीअं त हवा जे दॿाउ खे असां मुख़्तलिफ़ औज़ारनि सां मापींदा आहियूं पर सभ खां जेको वधीक आम औज़ार आहे उनजो नालो आहे बैरोमीटर. क्वेश्चन नंबर 148 आहे विच बैरोमीटर इज यूज टू मेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जवाबु आहे मर्क्यूरी बैरोमीटर. बैरोमीटर उहो औज़ार आहे जंहिं सां कंहिं बि जॻह ते असां फिज़ा जो दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापे सघंदा आहियूं. क्वेश्चन नंबर 149 आहे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल हैज़ अ मीन वैल्यू ऑफ 101 to 325 पास्कल. मतिलबु एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी सतह समुंड जे हवाले सां 101 खां वठी 325 ताईं पास्कल ताईं आहे. क्वेश्चन नंबर 150 आहे फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानि फोर्स खे मिक़दार ऐं तर्फ़ ॿई थियनि था. साइंस अठे क्लास जी साइंस जो पंजो छहों ऐं सतों बाब जंहिंजा असां मेन पॉइंट्स जेके हुयूं अवां सां शेयर कयूंसीं. हिन खां पोइ शायदि साइंस जो हिकु ई क्लास थींदो जेको बि अवां सां जल्द शेयर कयो वेंदो. इन सां गॾु जेकॾहिं असांजी हीअ वीडियो अवांखे पसंदि आई आहे त लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा. जेकॾहिं अवां शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा त जीअं नयूं मालूमाती वीडियो अवां ताईं सवलाई सां पहुची सघनि. अलाह निगाबान. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो.